आज का टॉपिक है बीटी फसलें जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीनी इंजीनियरिंग द्वारा ऐसी फसलें तैयार की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी अर्थात पेस्ट रेसिस्टेंट होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जिसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से तैयार किया गया है। बीटी प्रतिविष से संबंधित जीन को जीवाणु से निकालकर पौधे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि उस पौधे में भी बीटी प्रतिविष बनने लगता है। अतः अब इन पौधों में कीटनाशक के छिड़काव की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उनमें स्वयं ही कीट प्रतिरोधी प्रोटीन संश्लेषित होने लगती है। इस प्रकार तैयार की जाने वाली फसलों को बीटी फसलें या बीटी क्रॉप कहा जाता है। आजकल बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी आलू, बीटी टमाटर, बीटी बैंगन, बीटी तंबाकू आदि पौधों को तैयार किया गया है। यदि पूछा जाए कि कौन सा पौधा है बीटी पौधा जिसे सबसे पहले तैयार किया गया था, तो बीटी तंबाकू का निर्माण सबसे पहले किया गया था। बीटी कपास से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। बीटी कपास ऐसी पादप जाति है जिसमें बीटी जीवाणु अर्थात बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु के बीटी जीन को प्रविष्ट कराया गया है और इस प्रकार इसका निर्माण किया गया है। कई प्रकार के कीट पतंगे और सलभ ये कपास के रेशों को काट काट कर नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। बीटी कपास पर इन कीटों और सलभों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सलभ या कीट प्रतिविष प्रोटीन के कारण नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। बीटी कपास के अंदर प्रतिविष उत्पन्न करने वाली जीन को क्राई कहा जाता है।